हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय नेम इज सिकदा भटनागर और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ सीपी में गाइज। सो हम लोग यहाँ पे आए हैं रानी सा एंड ये जैन चावल वाला जो होते हैं, जो मतलब बेसिकली सीपी में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उनका आउटलेट है। एंड यहाँ पर हम लोग राजस्थानी थाली ट्राई करने वाले। सो लेट्स सी कि कैसी होगी, बिकॉज लाइक हमें बहुत ज़्यादा सा क्रेविंग होता है कि हमें राजस्थानी फूड खाना है। सो वी आर हियर एंड लेट्स ट्राई सम। सो ये आज का मेन्यू है एंड यहाँ पे डेली मेन्यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू वो भी जो भी उनका डे होगा। सो दिस इज़ द एंट्रेंस। तो गाइस हम लोग अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं बिकॉज वेटिंग है बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप लोग बैठते हो तो ट्रेडिशनल स्टाइल में आपका हैंड वॉश करवाया जाता है, उसके बाद ये प्रोवाइड बटर मिल्क एंड उसके बाद टन्स ऑफ वैरायटी ऑफ फूड आना स्टार्ट हो जाता है। लाइक दिस इज़ बेसिक सैलड एंड ग्रीन चटनी और इमली की चटनी थी, मैंने उनसे पूछा भी है, एंड एक और कुछ टाइप की चटनी थी। और यहाँ पे साइड में उन्होंने मुझे वड़ा दिया एंड ढोकला वड़ा वॉज वेरी गुड गाइज। ढोकला मुझे थोड़ा सा ड्राई लगा, आई डोंट नो, मुझे थोड़ा गीला गीला वाला ढोकला होता है जिसमें शुगर सिरप होती है वो ज़्यादा पसंद है, बट ओ माय गॉड वड़ा वॉज रियली गुड। मैंने सोचा आई थिंक 3 या 4, आप देख सकते हो मैंने एक और लिया है, तो मैंने लिटरली 3-4 वड़ा खाया है वहाँ पर बैठ के। द ग्रीन चटनी वॉज रियली वेरी फ्रेश एंड उसका फ्लेवर इतना बढ़िया आ रहा था ना, लाइक मैंने ग्रीन चटनी बहुत ही ज़्यादा खाई थी। इमली वाली आई वॉज लाइक ओके। सो नाउ इट्स टाइम फॉर दाल बाटी। तो बाटी जो होती है उन्होंने चूरा करके डाली एंड उसके ऊपर से दाल डाला एंड उसके ऊपर घी डाला, लाइक घी से बहुत टेस्ट लग रही थी। एंड दिस इज़ ऑब्वियसली चूरमा, दिस इज़ दाल बाटी चूरमा एंड इट वॉज रियली गुड। दाल बाटी चूरमा उन्होंने अच्छा खासा घी और सब चीज़ें डाल रही हैं। यहाँ पे चूरमा, लुक एट दिस। एंड गाइज ये जो वड़ा है ये बहुत यमी है, बहुत ज़्यादा यमी। सो नाउ इट्स टाइम फॉर मेन कोर्स एंड मेन कोर्स में दिस इज़ आई थिंक गट्टे की सब्जी एंड दिस इज़ कुंदरू एंड उसके बाद उन्होंने पनीर डाला। पनीर वॉज रियली गुड, आई मीन लाइक आई लव्ड इट। एंड दिस इज़ आलू समथिंग, आलू गुजराती या एंड आलू गुजराती वॉज वेरी गुड, मतलब उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आया था। सो दिस इज़ नॉर्मल तवे वाली रोटी, दैट इज़ मिस्सी रोटी एंड उन्होंने मुझे बाजरे की रोटी भी दी थी, तो दिस इज़ बाजरे की रोटी विद घी एंड आई लव्ड इट गाइज। रोटी बहुत ज़्यादा, तीनों रोटीज सॉफ्ट थी एंड इतना ज़्यादा फ्लेवर था सब में and I think I loved it. Also that white thing is Gujarati कढ़ी, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, it was like okay. And this is obviously दाल तड़का type. Okay guys, so let me explain क्या है। तो ये एक कुंदरू की सब्जी है एंड मुझे बिल्कुल भी पसंद। एंड ये है पनीर महाराजा समथिंग एंड ये है आलू गुजराती, ये है गट्टे की सब्जी। सो पनीर वॉज टैंगी एंड बहुत जैसा कढ़ाई पनीर होता है ना वैसा थोड़ा फ्लेवर था उसका, नॉट एग्जैक्टली कढ़ाई पनीर बट वॉज रियली डिलिशियस। एंड आई एम जस्ट एडिंग सम नींबू टू माई सैलड। यू गाइज कैन ऑब्वियसली सी कि मैं सिर्फ और सिर्फ बड़े पे फोकस कर रही हूँ, आई एम जस्ट ईटिंग दैट। और एंड आई थिंक एवरी थिंग जो फूड था वो बहुत ही ज़्यादा, आई मीन लाइक हर चीज़ का अलग अलग फ्लेवर था कि आप यूजुअली आप अगर जाते हो जैसे कि थाली वाली खाने के लिए तो एग्जैक्टली सेम फ्लेवर्स होते हैं, बट नो यहाँ पे हर फ्लेवर अलग था, हर डिश का फ्लेवर अलग था। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको ये वाला खाना लाइक दिस काइंड ऑफ क्यूजीन बहुत पसंद आती है, लाइक दिस इज़ पूरा इंडियन वाला खाना, आई जस्ट लव्ड इट। सो थाली वॉज वेरी गुड, आई कैन हाईली रिकमेंड यू गाइज टू ट्राई दिस। एंड ऑल्सो मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सो यू डेफिनेटली ट्राई दिस। मीठे के लिए हमारे पास है गुलाब जामुन, बहुत बड़ा है। एंड यहाँ पे है हमारे पास चीकू का हलवा, थोड़ा सूजी और चीकू मिक्स लग रहा है। एंड यहाँ पे है सेवई खीर। सो मम्मी चीकू का हलवा कैसे लगा? गुड अच्छा लगा, सूजी जैसा ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। So gulab jamun was too sweet and सेवइयाँ was like average and चीकू का हलवा was like ओके काइंड ऑफ, मतलब मेरे को पसंद नहीं आया. सो नाउ इट्स टाइम टू गो एंड मैंने अपने हैंड वॉश करवा लिए हैं ट्रेडिशनल स्टाइल में. Guys, that's it for today's video. I hope you guys liked it. If you like this video, then don't forget to hit the like button. Also, please do subscribe to my channel. And I will see you next time in the next video. Bye!